नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर रौली तिवारी मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से 6 मई को एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है, ब्राह्मण समाज अपने बेटे बेटियों को संस्कारित और शिक्षित करे कि वो ब्राह्मण कुल में ही विवाह करें। ब्राह्मण समाज में DNA की शुद्धता आवश्यक है, ये संतति और संतान के संस्कारों के लिए एक जरूरी कदम है। और आगे कोष्टक में लिखा है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इसे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर न देखा जाए। डॉक्टर रौली तिवारी मिश्रा द्वारा ये ट्वीट करने के बाद सोशल मीडिया पर डॉक्टर रौली तिवारी की जमकर खिंचाई हो रही है। विपिन कुमार नामक एक ट्विटर यूजर उन्हें रीट्वीट करते हुए लिखते हैं कि तो आप मानते हैं कि ब्राह्मण समाज का DNA शुद्ध नहीं है? DNA भारतीय होता तो शुद्ध होता, वैसे किस देश से हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप जैसे ब्राह्मण भारतीय बच्चों से शादी करके DNA जल्दी ही शुद्ध कर लेंगे, अन्यथा न लें, सिर्फ आपके जवाब के लिए है ये। हमारा DNA भारतीय है, मूल निवासी है, कर्मा है, परोपकार है, मानवता है, इंसानियत है, सहयोग है, प्रकृति है। और हाँ, पाखंड, अंधविश्वास, लूट, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव तो बिल्कुल नहीं है। ये सब यूरेशिया से आने वाले लाए थे जिनका DNA अशुद्ध है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। द डंक बहुजन नामक यूजर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को टैग करके लिखते हैं कि ये औरत समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, क्या इसको ही समाजवाद कहते हैं? अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो शर्म आनी चाहिए, इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी जातवादी मानसिकता वाली पार्टी है। और हाँ, अब देखते हैं कि यादव समाज इस पर क्या बोलता है। वहीं सुजीत कुशवाहा नामक यूजर लिखते हैं कि मेरी व्यक्तिगत राय है, पंडितों की DNA की शुद्धता बनाए रखने के लिए अलग से ब्लड बैंक बनाया जाए, खान पान, स्कूल, बाजार, अस्पताल सब अलग बनाए जाएं, जमीन का हिस्सा भी अलग हो, आम जनता को इनसे बात करना तो दूर, इनकी तरफ देखना भी जुर्म माना जाए। जिनका DNA दूषित हो चुका है उनका क्या कहना है? वहीं अरुण त्रिपाठी नामक यूजर लिखते हैं कि जो जमीनी सच्चाई है वो ये है कि ब्राह्मण लड़कियां धर्म और जात से ज़्यादा पैसे को महत्व देती हैं और OBC SC और मुसलमान से भी शादी कर लेती हैं। 100% ब्राह्मण अपनी बेटी का विरोध नहीं करते, बल्कि समाज में और जिसने किया उसका प्रचार करते हैं, कुछ परसेंट ये रिश्ते भी निभाते हैं, समाज गया तेल लेने। तो देखा साथियों आपने किस प्रकार से ट्विटर पर डॉक्टर रौली तिवारी मिश्रा की सोच के साथ साथ समाजवादी पार्टी की नीतियों और संगठन पर भी सवाल उठ रहे हैं। वास्तव में ये गंभीर विषय है कि जो पार्टी समाजवाद का नारा देती है और उस पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से इस प्रकार के जातवाद को बढ़ावा देने के बयान सामने आए, ऐसे रवैये से पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, यह विमर्श करने वाली बात है। साथ ही आपको बता दें, केवल इतना ही नहीं, ट्विटर पर तमाम सवालों से घिरने के बाद डॉक्टर रौली तिवारी मिश्रा ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि परम आदरणीय विप्र परिजन प्रियजन मित्रगण, भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर संकल्प लिया है कि अपने ब्राह्मण समाज के लिए पूर्ण समर्पण से काम करूंगी, अगर इसके लिए राजनीति छोड़ना आवश्यक हुआ तो छोड़ दूंगी, ये मेरे पिताजी का आदेश है कि मैंने अपने समाज को संपन्न सम्मल बनाने में योगदान दूंगी। साथियों आपको बता दें, कम से कम अब इस ट्वीट के आने के बाद तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कुछ तो सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे समाज से आती हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने दिया दगा नहीं। फिलहाल आप डॉक्टर रौली तिवारी मिश्रा और समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार।